अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद डीडी सिस्टर। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है आटे के बिस्किट। तो इन्हें मैं आटे के बिस्किट से बनाऊंगी। आप भी क्या बना रही हो? आटे के बिस्किट। तो आटे के बिस्किट बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है आटा। ये मैंने लाल चक्की का आटा लिया है, बेकिंग सोडा, बेसन, इलायची पाउडर, नमक, चॉकलेट चिप, घी और आइसिंग शुगर। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 कप यहाँ मैंने आटा लिया है, चक्की का लाल आटा लिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप बेसन ऐड करूँगी, 1/4 कप मैं आइसिंग शुगर डालूँगी इसके अंदर, 1 पिंच मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें घी डालूँगी। घी मैंने 1/4 कप लिया है और घी को मेल्ट नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा जमा हुआ होना चाहिए इस तरह से। तो ये मैं डाल के इसे गूंदूँगी अच्छे से, इसको अच्छी तरह से इस तरह से मस लें ये ऐसे। ये मैंने 1/4 कप घी इसके अंदर डाला है, मगर इसमें घी की और नीड है तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी और ऐड करूँगी। इसको अच्छे से इस तरह से मस लूँगी। ये मिक्स हो चुका है, मगर इसमें मुझे घी की और ज़रूरत है। मैंने आपको घी जितना बताया था मैं उससे थोड़ा ज़्यादा डाल ली हूँ, क्योंकि घी इसमें फ़ौरन एकदम से ऐड नहीं करना, फिर वो बहुत अजीब सा हो जाएगा। इसको टेक्सचर देखने के लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालूँगी इस तरह से। इसको अच्छे से गूंद लूँगी मैं। ये देखिए ये बन रही है इसकी ठो। मैंने इसमें चीनी पिसी हुई डाली है, क्योंकि पिसी हुई चीनी आराम से मिक्स हो जाती है। अगर मोटी चीनी डालेंगे साबुत तो वो जो है मुंह में आएगी, इस वजह से मैंने इसमें चीनी डाली है। और पानी और दूध इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसे घी से ही गूंदेंगे इस तरह से हम। अब मैं इसके बिस्किट बनाऊँगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून का लिया है और इसमें से इस तरह से मैं ले लूँगी। इसे इस तरह से मैं बनाऊंगी। अभी इसे यहाँ रख दूँगी। ये देखिए ये हो गया है। अब मैं इस पर डिज़ाइन दूंगी इस तरह से, एक यूँ एक यूँ एक यूँ, 3 यहाँ पे लाइन दिए मैंने, 3 मैं यहाँ पे लाइन दूंगी इस तरह से, और 3 मैं यहाँ लाइन दूंगी ऐसे, 1 2 3। ये इस तरह से मैंने कर लिया है। अब मैं इस पर लगाऊंगी ये टाइनी सी चॉकलेट चिप, मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखें इस तरह से मैं बाकी सारे बिस्किट बना लूँगी। ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं और इसके ऊपर नीचे बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर के नीचे भी मैंने घी लगाया और उसके ऊपर भी मैंने घी लगाया है। अब मैं इसे बेक करूँगी पतीली में। तो चलिए मैं बेक करती हूँ। अरे अरे अरे, अभी बेक नहीं करना है, मैं तो भूल ही गई। इसके ऊपर मैंने ये एक ट्रिक है, ये मैंने दूध लिया था 1 घूंट, दूध के अंदर मैंने चीनी डाली है 1 टेबल स्पून। अब मैं इसको इसके ऊपर लगाऊंगी इस तरह से। ये मैंने सब इस पर लगा दिया है बिस्किट्स पे। इसको लगाने से इस पर कलर अच्छा आएगा। तो चलिए मैं इसको बेक करती हूँ। यहाँ मैंने पतीली ली है, पतीली को मैंने ढक के 15 मिनट तक पकने के लिए रख दिया था चूल्हा जला के। अब मैं इसमें ये ट्रे रखूँगी बिस्किट्स की, मैं ये ढक्कन हटा रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी स्टैंड पे इस तरह से। अब मैं इसे ढक दूँगी, इसे 30 मिनट तक मैं पकाऊँगी। अब मैंने इसे मीडियम आंच पे रख दिया है 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद मैं इसे चेक करूँगी कि ये हुए हैं या नहीं। ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे खोलूँगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बिस्किट बेक हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। टाड़ा, मज़ेदार से आटे की बिस्किट तैयार हैं। तो इसे मैंने बेक किया था 30 मिनट के लिए, पूरे फिक्स 30 मिनट में ये रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बने हैं, ये अच्छे सा कलर आया इसके ऊपर। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खस्ता हैं,
इसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी घर में मौजूद होते हैं, आटा भी होता है, बेसन भी होता है, तो आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।